आदित्य पुरी, ये वो नाम है जिन्होंने इंडियन बैंकिंग सेक्टर को ट्रांसफॉर्म किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग बैंकिंग हेड ऑफ HDFC बैंक की। तो आज सुनिए पुरी साहब की कहानी बैंकिंग टेल्स की जुबानी। 90 के दशक तक इंडिया में पब्लिक बैंक्स का बोलबाला था। HDFC हाउसिंग कंपनी के चेयरमैन श्री दीपक पारेख ने पुरी सर को इंडिया में HDFC बैंक एस्टैब्लिश करने का प्रपोजल दिया। उस समय वो मलेशिया में सिटी बैंक के CEO थे और यहीं से शुरू होता है HDFC बैंक का सफर। फिर 1995 में HDFC बैंक का इनॉग्रल हुआ और इसका पहला ऑफिस सैंडोज हाउस वॉर्ली में खोला गया, जिसका इनॉग्रेशन उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह जी ने किया। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करके अपने सपनों को पूरा करते हैं। पुरी सर उन्हीं कुछ लोगों में से एक थे जिन्होंने HDFC बैंक को वर्ल्ड क्लास बैंक बनाने के अपने सपने को पूरा किया। अपने HDFC बैंक के 26 साल के करियर में उन्होंने बहुत से अनअचीवेबल माइलस्टोन्स को अचीव किया। पुरी सर की गाइडेंस में HDFC बैंक ने टाइम्स बैंक एंड सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब को एक्वायर किया। आज HDFC बैंक का नेटवर्क ऑलमोस्ट 4000 सिटीज में 8,344 ब्रांचेस एंड 19,727 ATMs के साथ फैला हुआ है। इस बैंक की मार्केट कैपिटलाइजेशन अप्रोक्सीमेटली 6 लाख करोड़ है। पुरी सर का जन्म पंजाब के छोटे से शहर गुरदासपुर में हुआ था। उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन पंजाब यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की और उसके बाद CA के एग्जाम को क्लियर किया। सर ने अपने करियर की शुरुआत महिंद्रा लिमिटेड कंपनी के साथ एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी की, बट ही वॉन्टेड मोर फ्रॉम लाइफ और इसी के चलते उन्होंने एक इंटरव्यू सिक्योर की विद सिटी बैंक। अपने 21 साल के सिटी बैंक के करियर में उन्होंने 19 कंट्रीज में काम किया और ईयर 1992 में वो मलेशिया सिटी बैंक के CEO बने। In 2016, he was the sole Indian to be featured in Fortune's prestigious Top 50 Business Persons list. और year 2019 में पुरी सर इंडिया के बैंकिंग इंडस्ट्री में highly paid CEO थे। 2020 में सर HDFC बैंक से रिटायर हो गए, बट उनका प्रोफेशनल सफर यही नहीं खत्म हुआ। रिसेंटली उन्होंने कंसल्टिंग फर्म डेलॉयट को एज अ सीनियर एडवाइजर ज्वाइन किया, जहां वो टेक्नोलॉजी के थ्रू रूरल एरियाज में इजी फाइनेंस अवेलेबल कराने के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। पुरी सर हर बैंकर के लिए इंस्पिरेशन है। उन्होंने इंडिया के बैंकिंग इंडस्ट्री को सिर्फ बदलते हुए ही नहीं देखा, बल्कि वो इस कहानी के नायक हैं। होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। ऐसी और बैंकिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस स्टोरी को लाइक और शेयर करना ना भूलें।